अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर 15, दैट इज़ थर्मोरेगुलेशन। एज यू ऑल नो, व्हाट इज़ थर्मोरेगुलेशन? इट इज़ एक्चुअली अ मैकेनिज्म टू मेंटेन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। जब भी हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बाहर आने वाले टेम्परेचर में जो भी तब्दीली है उसके मुताबिक रेगुलेट करते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं, तो ये प्रोसेस या ये मैकेनिज्म थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है बेसिकली वो हमें हेल्प कर रहा होता है कि हम इन्वायरमेंट में जो भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, जो भी चेंजेस आ रही हैं, जो भी जिस किस्म का भी फिनोमेना वहाँ पर हो रहा है, जो टेम्परेचर चेंज कर रहा है, उसके मुताबिक बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। अब यहाँ पर आप दो तरह की थर्मोरेगुलेशन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, एक थर्मोरेगुलेशन जो प्लांट्स के अंदर होती है और एक वो जो कि एनिमल्स के अंदर हो रही है। बेसिकली प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही थर्मोरेगुलेशन जो है वो टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए, सिर्फ फ़र्क ये है कि हर एक ने अपने अपने अडेप्टेशन की हुई है इस टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले अडेप्टेशन है हाई टेम्परेचर में, डैमेज टू हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर डी नेचर द एंजाइम्स एंड डैमेज द मेटाबॉलिज्म, देयर फोर हार्म और किल द प्लांट्स। एज यू ऑल नो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ऑब्वियसली एंजाइम सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, और एंजाइम का इफेक्ट होना क्या करता है, वो जो है आपको पता है एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो डी नेचर हो जाते हैं, और उनके डीनेचरेशन की वजह से ऑब्वियसली जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हैं सारे वो डैमेज हो जाते हैं, और उससे प्लांट्स जो हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। अब कुछ अडेप्टेशंस हैं, जिससे फर्स्ट वन है एवेपोरेटिव कूलिंग। एवेपोरेटिव कूलिंग की अगर हम बात करें तो प्लांट जो है वो बेसिकली एवेपोरेटिव कूलिंग का मैकेनिज्म जो है वो उनमें हो रहा होता है। जैसे कि इन्वायरमेंट में अगर हॉट और ड्राई इन्वायरमेंट है या वेदर है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली पानी जो है वो एवेपोरेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, जिससे प्लांट डिहाइड्रेट या विल्ट हो सकते हैं, मुरझा सकते हैं। इसलिए प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं ताकि वो इस किस्म की कंडीशन से अपने आप को बचा सकें। फिर हीट शॉक प्रोटीन है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हीट स्ट्रेस में भी सर्वाइव करते हैं, वो अडेप्ट हैं कि वो इस तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। तो जो प्लांट्स टेम्परेट रीजन में रहते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्हें फेस करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेल्सियस और अबव, तो उस टाइम पर प्लांट्स अपने लिए कुछ ख़ास किस्म के स्पेशलाइज प्रोटीन्स बना लेते हैं, वो हीट शॉक प्रोटीन्स कहलाती हैं। ये प्रोटीन एंजाइम्स के साथ बाइंड कर जाते हैं, एम्ब्रेस हो जाते हैं, और इस तरीके से ये प्रोटीन्स एंजाइम को डीनेचर होने से, उनके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेती हैं। फिर हम बात करते हैं अडेप्टेशन टू लो टेम्परेचर पे। कुछ इन्वायरमेंट में लो टेम्परेचर होता है तो प्लांट्स ने उसके लिए क्या अडेप्टेशंस की हैं, लो टेम्परेचर का डैमेज क्या है कि लो टेम्परेचर की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूडिटी है उनका, उसके अंदर जो बेसिकली फ्लूड रन कर रहा होता है, वो उसका नेचर जो है वो ऑल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली मेम्ब्रेन बनी किसकी हुई है, लिपिड और प्रोटीन की। तो जो लिपिड है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन ब्लॉक हो जाती है, लॉक हो जाती है, और ऑब्वियसली फिर जो सॉल्यूट्स की ट्रांसपोर्ट है वो अफेक्ट होती है इस तरह से। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का है वो इस तरह से लो टेम्परेचर के अंदर अफेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए अडेप्टेशंस क्या की गई हैं कि प्लांट जो हैं वो हमेशा कोल्ड टेम्परेचर को, यानी लो टेम्परेचर को, कोल्ड स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। उन वो क्या करते हैं, वो फैटी एसिड्स की अनसेचुरेशन इंक्रीज़ कर देते हैं। उसके अनसेचुरेशन यानी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स का बढ़ना क्या करता है कि स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन मेंटेन कर लेता है एट अ वेरी लो टेम्परेचर। और वो किस तरह लो टेम्परेचर पर मेंटेन करेगा, बाय प्रिवेंटिंग द क्रिएशन के वो क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देता है। ये जो अडेप्टेशन है बेसिकली ये एक रीज़न प्रोवाइड करती है कि प्लांट्स जो है वो रैपिड चिलिंग से बच जाते हैं, और इसीलिए
जो एयर का टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज होना शुरू होता है वो अपने आप को मेंटेन करना शुरू कर लेते हैं। अडेप्टेशन है फ्रीजिंग टेम्परेचर में। अब डैमेज क्या है फ्रीजिंग टेम्परेचर का? फ्रीजिंग टेम्परेचर अगर होगा तो क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, क्रिस्टल्स बन जाएंगे, क्रिस्टल्स होंगे आइस की फॉर्म में। अब ये जो आइस फॉर्मेशन हो रही है ये हो रही है अराउंड द सेल वॉल, बट इट डज नॉट अफेक्ट एज बैडली एंड प्लांट सर्वाइव। अगर ये सेल वॉल के इर्द गिर्द है तो फिर तो ये डैमेज नहीं कर रहा प्लांट को। अगर ये सेल जो आइस फॉर्मेशन है वो प्रोटोप्लास्ट के अंदर हो रही है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर, तो ऑब्वियसली फिर ये डैमेज करेगी क्योंकि ये अफेक्ट करती है एक्शन जो परफॉर्म करना है एंजाइम ने अपने डिफरेंट रिएक्शंस को, ये ओवरऑल उनकी नेचर को डिस्टर्ब कर रही होती है। तो इस तरह से ये सेल को किल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर सेल वॉल के बाहर है तो फिर तो कोई इफेक्ट नहीं है, फिर ये इन इंस्टेड डैमेज करने के ये एक तरह से फ़ायदा दे रही होती है, एज इंसुलेटर काम कर रही होती है। लेकिन अगर तो ये सेल के अंदर है तो फिर ये वहाँ पर डैमेज कॉज करती है। तो अडेप्टेशन की बात करें तो प्लांट जो है उसमें बेसिकली दे आर नेटिव टू कोल्ड रीजन, जैसे ओक हैं, मेपल्स हैं, रोजेज हैं, कुछ और प्लांट्स हैं जिनमें चेंजेस आती हैं सल्यूट की सल्यूट के अंदर, और उससे जो सेल की कंपोजिशन है वो चेंज होती है, और उससे क्या होता है इट कॉज साइटोसोल टू सुपर कूल विदाउट आइस फॉर्मेशन, ऑल दो आइस क्रिस्टल मे फॉर्म इन द सेल वॉल। ठीक है, तो वो क्या करते हैं वो साइटोसोल की जो कंपोजिशन है उसको चेंज कर देते हैं, सल्यूट की कंसनट्रेशन को, जिससे वो आइस फॉर्मेशन के बगैर ही जो उसकी सुपर कूलिंग थी वो डैमेज नहीं कर रही होती सेल वॉल को, और इस तरह से सेल वॉल्स के अंदर क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो बेसिकली जो प्रोटेक्शन है वो अपनी जगह है, लेकिन जो साइटोसोल है उसी कंपोजिशन ही चेंज होने देनी, क्योंकि अगर उसकी कंपोजिशन चेंज होगी तो सारे रिएक्शन साइटोसोल वाले वो इफेक्ट होंगे, जो एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएंगे, उसकी सोल्यूट्स की ट्रांसपोर्ट जो है वो डिस्टर्ब होगी तो रिएक्शन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली फिर प्लांट की ग्रोथ इफेक्ट होगी। ये तो था सारा थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। एनिमल्स के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर बॉडी हीट गेन भी हो रही है, लॉस भी हो रही है। तो ये जो एनिमल का टेम्परेचर है वो डिपेंड कर रहा है 3 चीज़ों के ऊपर। नंबर 1 रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट, ठीक है, नंबर 2 रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और नंबर 3 रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन एंड लॉस। ठीक है, यानी किस तरह से बॉडी की हीट एक्सचेंज हो रही है, चेंज हो रही है, उसके वो हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंट है कि बॉडी गेन लूज़ कर रही है हीट, सॉरी बॉडी हीट लूज़ कर रही है गेन कर रही है। और इसी तरह से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऐसे कौन से हैं जिसके थ्रू ये हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो जो हीट ट्रांसफ़र है एनिमल और उसके एनवायरनमेंट के दरम्यान में, ये न्यूमरस वेज में हो रहा होता है। जैसे सबसे पहले इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन है, और जो कि डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रही होती है, सनलाइट ट्रांसफ़र करती है हीट इनटू एनिमल। ठीक है, इस तरह रेडिएशन और एवेपोरेशन है जो हीट को एनवायरनमेंट से बाहर ट्रांसफ़र कर रही होती है। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म है जो कि साथ साथ रन हो रहे होते हैं। अब टेम्परेचर क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन जो है उसके हवाले से हमें दिया हुआ है कि थर्मल जिस जिस तरीके से हीट एब्जॉर्ब होती है, लॉस होती है या गेन होती है, हमने इन टेम्परेचर को उसके हवाले से एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को एनिमल्स में स्पेसिफिकली 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। एक होते हैं पिकीलियोथर्म जिन्हें हम कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं, और एक होते हैं होमियोथर्म जिन्हें हम वार्म ब्लडेड का नाम देते हैं। तो पिकीलियोथर्म ये वो एनिमल्स हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है मोर और लेस एज द एयर और वाटर टेम्परेचर चेंजेस। जिस तरह से एयर या वाटर का टेम्परेचर बदलता है ऑब्वियसली उसी तरह से इनका भी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा होता है। इनमें सारे वर्टिब्रेट्स आते हैं, इनमें एम्फीबियंस आते हैं, इनमें रेप्टाइल आते हैं। आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये कोल्ड ब्लडेड वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा है कि ये लिजर्ट्स से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो अपने आप को हाइड कर लेती हैं। ठीक है,
इसी तरह जो डेजर्ट्स में एनिमल्स रहते हैं वो भी अपने आप को रेत के नीचे छुपा लेते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है डे टाइम में, रात को वो बाहर आ रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की एबिलिटी नहीं है। ठीक है, जैसे बाहर का एनवायरनमेंट बदलेगा, एनवायरमेंटल टेम्परेचर, उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बदल जाता है, तो इसीलिए वो कोल्ड ब्लडेड या पिकीलियोथर्म उन्हें कहा जाता है। होमियोथर्म्स की बात करें तो ये वार्म ब्लडेड हैं, जिनमें हम ह्यूमन बीइंग्स भी शामिल हैं, मैमल्स सारे आते हैं, बर्ड्स आते हैं। ये वो एनिमल्स हैं कि जैसे ही एक्सपोज होंगे एयर को, वाटर या उनका टेम्परेचर, जैसे एयर वाटर का चेंज होगा, ऑब्वियसली इनकी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होना शुरू, इन्हीं उसको मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, इसीलिए वार्म ब्लडेड या होमियोथर्म कहलाते हैं। अब इस टर्मिनोलॉजी से कुछ कन्फ्यूजन भी थी, कुछ डिफ़िकल्टीज भी थी, जैसे कुछ डीप सी फिशेज हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब भी हम कोई टर्मिनोलॉजी देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म उस पर लाए, उस पर जो है वो कम्प्लीटली वैसा ही परफॉर्म करते हों, कोई ना कोई एक्सेप्शन हो सकती है बीच में। तो यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस देखी गई, जैसे उन्होंने कहा कि डीप सी फिश है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेती है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। इसी तरह लिजर्ड्स हैं, आपने देखा है आजकल जो कुछ लिजर्ड्स हैं उनमें पहले आप देखते थे लिजर्ड्स गायब हो जाती थी, लेकिन अब आप देखते हैं कि सख्त गर्मी और सख्त सर्दी के अंदर भी आपको कुछ लिजर्ड्स नज़र आती हैं, यानी उन्होंने अपने आप को एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लिया हुआ है, उनके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आ गई हैं कि वो अब सर्वाइव करने की एबिलिटी रखती हैं, उन्होंने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की कंडीशन में फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं। फिर इस तरह की सिचुएशन को देखते हुए एक और क्लासिफिकेशन भी दी गई, जो उनके हीट प्रोडक्शन के सोर्स के हवाले से थी, ठीक है, कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, तो ये ज़्यादा एप्लीकेबल है, ज़्यादा रेंज इसमें एप्लीकेबल है ये वाली टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोथर्म्स की। एंडोथर्म्स में बेसिकली वो एनिमल्स आते हैं जो कि अपनी बॉडी की अंदर खुद से हीट को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, और इसी तरह वो प्रोड्यूस कर सकते हैं हीट को एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दौरान वो ए बाय प्रोडक्ट के तौर पर हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन्हें हम एंडोथर्म्स का नाम देते हैं। इनमें मैमल्स भी आते हैं, इनमें बर्ड्स भी हैं, फिशेस भी हैं और कुछ फ्लाइंग इंसेक्ट्स भी शामिल हैं। एक्टोथर्म्स हैं, एक्टोथर्म्स की अगर हम बात करें तो इनमें वो एनिमल्स आते हैं जो कि अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के दौरान हीट को लो लेवल पर प्रोड्यूस करते हैं और वो जो हीट है उसे क्विकली एक्सचेंज कर देते हैं विद एनवायरनमेंट, ठीक है। ये फिर क्या करते हैं, ये एनवायरनमेंट से अब्जॉर्ब भी करते हैं हीट को अपनी सराउंडिंग से, यानी जब इन्हें ज़रूरत होगी ये अपनी सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और वैसे जो इनके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है वो लो अमाउंट में ही वो भी एक्सचेंज कर देते हैं एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। तो ये हैं एक्टोथर्म्स। इनमें इनवर्टिब्रेट फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है। एंडो इनसाइड होता है ना, वो हीट खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय प्रोडक्ट के तौर पर मेटाबॉलिज्म में। एक्टो मीन आउटसाइड होता है, तो वो एक्सचेंज कर देते हैं एनवायरनमेंट से हीट और फिर बाहर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हेट्रोथर्म, हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, जैसे आपने पीछे होमियोथर्म पढ़ा था, तो हेट्रोथर्म्स में डिफरेंट जो है वो हीट की एबिलिटी है प्रोडक्शन की, फिर उन्हें क्या है, उन्हें रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को नैरो रेंज में अगर वो चेंज हो रहा है तो उसको मेंटेन करें, जैसे बैट्स हैं, मैमल्स, हमिंग बर्ड्स हैं, ठीक है, ये हेट्रोथर्म्स में आ जाते हैं। अब रेगुलेशन है हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ भी सकता है। तो इसमें वो कहते हैं एनिमल्स ने तीन तरह की अडेप्टेशन स्कीम है, स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल, ठीक है, यानी उनके बिहेवियर में भी चेंज है, उनके स्ट्रक्चर में भी और उनके फिजियोलॉजी में। तो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन की बात करें तो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं कि उन्होंने अपनी जो सब डर्मल लेयर है, यानी फैटी एसिड्स की एक लेयर मौजूद, फैटी लेयर है हमारे पास स्किन के नीचे जो कि इंसुलेशन का काम कर रही होती है, यानी वो बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होने देती, और इसमें पिलाज है, एक पिलाज पर है, हेयर्स हो सकते हैं बॉडी के ऊपर, या वूल हो सकती है जैसे मैमल्स की बॉडी पर होती है, तो उसमें उसके नीचे एक फैटी एसिड की लेयर होती है, फैट्स की एक लेयर होती है बेसिकली। तो
इसी तरह से स्वेट ग्लैंड्स की प्रोडक्शन हो प्रेजेंस हो सकती है। स्वेट ग्लैंड आपको पता है जो स्वेटिंग क्रिएट करवाते हैं, वाटर वेपोरेट होता है तो टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है। इसी तरह लंग्स मॉडिफाइड हो सकते हैं, पैंटिंग का फिनोमेना होता है, जैसे आपने डॉग्स को देखा होगा वो अपनी ज़बान बाहर निकाल कर मुसलसल जो है वो उसे हिलाते रहते हैं, और उसका हिलाना क्या है वो पैंटिंग का फिनोमेना है कि उनकी ज़बान से वाटर वेपोरेट होता है और इस तरह बॉडी का टेम्परेचर उनका मेनटेन हो जाता है। इसी तरह से पेंटिंग से फिजिकल फिनोमेना भी तो है ना, ब्रीथिंग भी हो रही होती है, थोड़े से जो है मसल्स भी आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, तो जो हीट है वो इस तरह से जनरेट हो सकती है, एक्सचेंज भी हो सकती है, तो ये स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो उन्होंने आपको बताया हुआ है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन की बात करें तो ये बेसिकली ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं टू द स्किन, स्किन की तरफ, ठीक है, या तो स्किन की तरफ ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे, ठीक है, ब्लड फ्लो बढ़ा देंगे जिससे एकदम स्किन वार्म हो जाएगी और उससे हीट डिसिपेट होगी, या फिर उसको लो कर देंगे ताकि हीट लॉस को इकोनोमाइज किया जा सके, बैलेंस किया जा सके बाय मस्कुलर एक्टिवेशन, जैसे हम प्लमेज कहते हैं, फीदर्स वगैरह उसमें इन्वॉल्व होते हैं, फ्लफिंग होती है कि हम शेक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, इसी तरह ताकि जैसे एनिमल्स को देखें तो वो अक्सर अपने जो फीदर्स हैं उनको शेक कर रहे होते हैं, उनको हिला जुला रहे होते हैं, वो इसलिए कि ताकि उसमें हवा भर जाए, ठीक है, हॉट एयर अंदर चली जाए और इस तरह से उनकी टेम्परेचर को बैलेंस किया जा सके। इसी तरह सम टाइम स्वेटिंग हो रही होती है, स्वेटिंग होती है तो वो कूलिंग है, वैपोरेटिव कूलिंग के, जब पानी बाहर निकलता है तो ऑब्वियसली अंदर जो है वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। फिर बिहेवियरल अडेप्टेशंस हैं, उसके अंदर क्या होगा, इसमें बेसिकली एनिमल्स जो हैं मूविंग एनिमल्स की आ जाती है, मूवमेंट आ जाती है कि वो इन्वायरमेंट में किस तरह से हीट को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे स्क्विरल्स हैं वो मिड डे में बरोस के अंदर चली जाती हैं, अपनी जो उन्होंने खू सी बनाई होती है वो उसके अंदर मूव कर जाती हैं, ठीक है, और इसी तरह से लिजर्ट्स हैं वो जब सनलाइट होती है तो वो उसके, जब बहुत ज़्यादा ठंड है कूलर इन्वायरमेंट है तो वो हाइड रहते हैं, लेकिन जैसे ही सन निकलता है तो वो इस बाहर आकर कुछ इस तरह के पोस्चर्स बनाती हैं कि वो हीट को गेन कर सके सन से, ठीक है, उसको लिजर्ड बास कहते हैं, जैसे हम सन बाथ लेते हैं वो लिजर्ड बास होता है। एनिमल इसी तरह से अपनी पोस्चर्स यानी अपनी बॉडी की पोजीशंस को चेंज करते हुए कि वो जहाँ पर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हीट मिल सके वो हीट को गेन कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हीट को एक्सचेंज भी इस तरह से किया जा सकता है। फिर मैमल्स के अंदर है लास्ट थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो वहाँ कुछ रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज हैं, जैसे एंडोथर्मी है जो कि हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होती है, कि मैमल्स में हाई बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना एंजाइम डी नेचर हो सकते हैं। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है 36 से 38 डिग्री सेल्सियस, वैसे हम कहते हैं 37, इसमें हीट को बैलेंस किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो एंडोथर्मी बेसिकली बर्ड्स और मैमल्स में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक रेट हाई होता है और जो एनर्जी की अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका काम इस तरह का है, बर्ड्स का भी और मैमल्स का भी, कि कहीं ना कहीं उन्हें इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में जो हीट प्रोडक्शन है इट इज़ इंक्रीज्ड बाय मसल कंट्रैक्शन, के जैसे जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो उनके अंदर शिवरिंग होती है, मूवमेंट होती है, तो डैट इज़ नॉन एज शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ठीक है। और नॉन शिवरिंग भी है कि उसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व है, यानी आपकी बॉडी में मसल्स इन्वॉल्व नहीं है, मसल काम है मूव करते हैं तो आप में आपकी बॉडी मूव करती है, आप कांपना शुरू हो जाते हैं और उससे आपके अंदर हीट जनरेट होती है, लेकिन नॉन शिवरिंग में हार्मोन्स इन्वॉल्व है, स्पेशली थायराइड है जो कि इन्वॉल्व होता है, इसे हम नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। ब्राउन फैट है एक, उसमें उन्होंने बताया कि मैमल्स जो है वो बेसिकली पोजेस करते हैं आप ब्राउन फैट, ब्राउन फैट जिसे हम एडिपोज टिश्यू का नाम भी देते हैं, दैट इज स्पेशलाइज फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन, ठीक है, मूव करती है सरफेस के ऊपर, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और उससे जो है वो कूलिंग इफेक्ट आता है, तो एवेपोरेटिव कूलिंग है। इस तरह रेगुलेटरी मैकेनिज्म है कोल्ड टेम्परेचर में, कि मैमल्स में एक मैकेनिज्म है वेजोडाइलेशन का,
वैसो डायलेशन, डायलेशन का मतलब है फैल जाना, तो उस डायलेट हो जाना, तो उसमें ब्लड वैसल एक्सपैंड हो जाती है। और एक होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है श्रिंकेज ऑफ ब्लड वैसल, उसमें ब्लड वैसल श्रिंक हो जाती है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में देखें तो कूल डे में ह्यूमन टेम्परेचर जो है वो बहुत लो होता है इन आर्म एंड लेग्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू ट्रंक, क्योंकि ट्रंक के अंदर हमारे वाइटल ऑर्गन्स मौजूद हैं, हमारी बैक में हमारे जो दरमियाना हिस्सा है वहाँ पर वाइटल ऑर्गन्स हैं, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर नहीं इतनी जल्दी गिरता जितनी जल्दी हमारे हाथ और पाँव ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर है कि ह्यूमन जो है उनकी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर है जो कि इंसुलेशन का काम करती है, हीट को लॉस नहीं होने देती और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखती है। लैंड मैमल्स की बात करें तो लैंड मैमल्स कूल एनवायरनमेंट को, कूल टेम्परेचर को, अपनी फर्स को रेस करते हुए रिस्पॉन्ड देते हैं। ठीक है, उसमें वो थिक लेयर को एयर की अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और इस तरह से एज ए इंसुलेटर काम करते हैं, और इस तरह से एनिमल की स्किन और सराउंडिंग के दरमियान में जो हीट एक्सचेंज है वो मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, फिर मरीन मैमल्स हैं, मरीन मैमल्स में अगर आप देखें तो वेल्स हैं, सील्स हैं, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली अपना बॉडी टेम्परेचर मच कोल्डर इन्वायरमेंट में भी मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस करते हैं, क्योंकि उनके पास फैट की एक इंसुलेटिंग लेयर है जिसे हम ब्लबर का नाम देते हैं, जो उनके स्किन के नीचे मौजूद है। फिर वार्म टेम्परेचर में देखें तो मरीन मैमल्स जो हैं वो एक्सेसिव हीट को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ठीक है, बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल इन आउटर स्किन, जहाँ से वो डिसिपेट करते रहते हैं हीट को। और टेरिस्टल मैमल की बात करें तो वहाँ स्वेट ग्लैंड है, वैपोरेटिव कूलिंग है, अगेन पैंटिंग का फिनोमिना है, इस तरह हमने देखा डॉग्स सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, बैट्स वगैरह। ठीक है, वो और यूरिन को इस्तेमाल करते हैं फॉर एवेपोरेटिव कूलिंग के, वो यूरिन जब सिक्रीट आउट करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं उसे, तो उससे एवेपोरेटिव कूलिंग होती है, और एक सलाइवा जब वो प्रोड्यूस करते हैं उसे गिराते हैं, तो वहाँ से भी एवेपोरेटिव कूलिंग का फिनोमिना जो है वो हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स में भी फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे हमने पढ़ा कि ब्रेन में हाइपोथैलमस का एक पार्ट है जो कि थर्मोस्टैट है, वहाँ पर लगा हुआ, जो फिक्स टेम्परेचर 37 पर जो है मेंटेन्ड है, अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो वो थर्मोस्टैट एक्टिवेट हो जाता है, ब्रेन सेंस कर लेता है, उसका हाइपोथैलमस सेंस कर लेता है कि अब टेम्परेचर को मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो थर्मो रिसेप्टर्स हैं जो वहाँ हाइपोथैलमस के अंदर मौजूद हैं, वार्म टेम्परेचर सेंसिटिव थर्मो रिसेप्टर्स भी हैं हाइपोथैलमस में और नर्वस सिस्टम के दूसरे पार्ट्स में भी, स्पेसिफिकली हाइपोथैलमस में, तो वहाँ से सिग्नल सिस्टम्स को जाता है और स्किन के इर्द गिर्द जो टेम्परेचर फ्लो ब्लड फ्लो है सॉरी वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं और स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है और इससे कूलिंग होती है। इस तरह कोल्ड रिसेप्टर्स हैं, वो कोल्ड रिसेप्टर अगेन हाइपोथैलमस को ही मैसेज देते हैं, हाइपोथैलमस फिर ये हीट लॉस मैकेनिज्म को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, जिससे स्किन के इर्द गिर्द जो ब्लड का फ्लो था वो कम हो जाएगा, ब्लड जो है वो हीट एक्सचेंज नहीं करवाएगा और इस तरह से हीट को कंजर्व कर लिया जाता है, और शिवरिंग या नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म भी एक्टिवेट हो सकते हैं, हार्मोन थायराइड इन्वॉल्व हो जाएगा, ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, या फिर शिवरिंग होना शुरू हो जाएगी जिसमें हमारे मसल इन्वॉल्व होंगे। इसी तरह एक टेम्परेचर इन फीवर है जिसे पायरेक्सिया का हम नाम देते हैं, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में स्पेसिफिकली ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल इंक्रीज हो जाते हैं नंबर में। अब ये पैथोजेंस क्या कहते हैं, ब्लड सेल्स, और ये पैथोजन और ब्लड सेल दोनों एक केमिकल सिक्रीट आउट करते हैं जिसे हम पायरोजेंस का नाम देते हैं। पायरोजेन जो हाइपोथैलमस का सेट पॉइंट है टेम्परेचर, उसको 37 से अबव सेट कर देते हैं, इस तरह से हमें वो फीवर या हाई टेम्परेचर फील होता है जो बेसिकली उन पैथोजन से के अगेंस्ट हम यूज़ कर सकें करते हैं, वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, यानी जब भी हमें इन्फेक्शन होती है किसी भी पैथोजन से तो हमारा बॉडी के टेम्परेचर फ़ौरन राइज करता है, वो एक्चुअली उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए होता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का जो टेम्परेचर सेट पॉइंट है वो वहाँ से हट जाता है और बेसिकली जो है वो हमारा जो टेम्परेचर था वो थोड़ा सा राइज कर जाता है, तो डैट इज़ टेम्परेचर इन फीवर जिसे हम पायरेक्सिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने ओवरऑल थर्मो रेगुलेशन प्लांट्स और एनिमल में डिस्कस किया, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।